पीपल थिंक कि मैं फेक हूँ बट जब वो मेरे जो क्लोज आते हैं, जो लोग जो मुझे जानने लगते हैं, उनको लगता है यार ये तो सच्ची रियल है यार, तो ऐसी है जैसी देखी थी, तो लोगों को पर्सनैलिटी इतनी यूनिक है, समझ ही नहीं पाते कि फेक है या रियल है। शहनाज गिल ने सलमान खान की दी मूव ऑन कर जाने की एडवाइस पर किया रिएक्ट। जवाब नहीं पर मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन था। दिस इज माय जवाब। आपका भी। शहनाज गिल ने अपने ड्रीम्स को किया चेस। फैमिली को अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए फ्रेंड बनो उनके। शहनाज गिल ने कहा लोग मुझे समझते थे फेक, तो लोगों को पर्सनैलिटी इतनी यूनिक है, समझ ही नहीं पाते कि फेक है या रियल है। सलमान खान ने रिसेंटली शहनाज गिल को दी लाइफ में मूव ऑन कर जाने की सलाह। इसके साथ ही सलमान खान ने शहनाज गिल के उन फैंस को भी एक मैसेज दिया था जो आए दिन सिडनास ट्रेंड करके शहनाज गिल को उनके पास्ट की याद दिलाते हैं जो उन्हें अफेक्ट कर रहा है। सलमान खान की कही इन बातों पर अब शहनाज गिल ने रिएक्ट किया है। जूम के साथ अपने इंटरेक्शन के दौरान शहनाज गिल ने सलमान खान के साथ अपने इस बॉन्ड को भी सुपर स्पेशल बताया। शहनाज गिल मानती हैं कि सलमान खान के साथ उनका ये बॉन्ड बिग बॉस के समय से था और सलमान खान वाकई उनके लिए भाईजान हैं, उनके अपने जो उन्हें अपना समझ के समझा सकते हैं। कि मुझे बिल्कुल सच में मैंने बहुत प्यार से आपको कहा कि आपको मूव ऑन होना चाहिए, आप अपनी ज़िंदगी जिए, और लोगों को कहा कि यू नो, उससे आप एक्सपेक्ट मत करो कि उस मतलब आप उनको अपनी ज़िंदगी जीने दो। फैंस को भी कहा कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो कुछ चीज़ें उनसे, उनकी भी अपनी लाइफ होती है। मुझे लगा ये एक अपना ही किसी को समझा सकता है जैसे उन्होंने समझाया। उसके बारे में बताइए मुझे। आपने खुद ही जवाब दे दिया अब इसके बारे में। जवाब नहीं पर मतलब मेरी ऑब्जर्वेशन था। दिस इज माय जवाब। आपका भी यही है कि मतलब वो प्यार और भी एक भाई की तरह है जो बॉन्ड है। शहनाज गिल के इस जेस्चर से आप भी सलमान खान के साथ उनकी क्लोजनेस का अंदाजा लगा सकते हैं। आगे अपने इस कैंडिड इंटरव्यू में शहनाज गिल ने बताया कि कैसे पहले लोग उन्हें फेक समझते थे। पीपल थिंक कि मैं फेक हूँ, बट जब वो मेरे जो क्लोज आते हैं, जो लोग जो मुझे जानने लगते हैं, उनको लगता है यार ये तो सच्ची रियल है यार, तो ऐसी है जैसी देखी थी, तो लोगों को पर्सनैलिटी इतनी यूनिक है, समझ ही नहीं पाते कि फेक है या रियल है। लेकिन जैसे कि शहनाज गिल ने कहा कि वो एकदम रियल और यूनिक है और उनकी इसी स्पेशल क्वालिटी की वजह से आज वो इस मुकाम पर हैं। जूम के साथ इस इंटरैक्टिव सेशन में शहनाज गिल ने ये भी बताया कि कैसे वो अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए अपने घर से भाग गई थी। वैसे थोड़ी बेवकूफ़ी भी थी भागना घर से, वो तो मैं स्ट्रांग थी इसलिए भाग गई, बट मैं सबको यही एडवाइस करूँगी कि घर से भागना नहीं चाहिए। बिल्कुल। बट सबकी अपनी अपनी सिचुएशंस होती है, और मैंने भाग के घर से बहुत अप एंड डाउन्स भी देखे हैं, तो इससे अच्छा तुम अपनी फैमिली को कन्वेंस करो, जितना कर सकते हो अपनी फैमिली को अपने ड्रीम्स पूरे करने के लिए फ्रेंड बनो उनके। शहनाज गिल के सारे ड्रीम्स अब पूरे हो रहे हैं और इसका क्रेडिट उन्होंने अपने फैंस को भी दिया। मुझे लगता है कि मुझे इतना फैन लव मिला है कि लोग खुद मेरे पास आते हैं कि वाओ व्हाट अ फैन फॉलोइंग, लेट्स वर्क विद दिस गर्ल, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा। तो वो चीज़ मुझे लगता है मेरी फैंस की वजह से मिल रही है, एंड लोगों को मेरे बारे में सिर्फ यही पता था मैं चुलबुली हूँ, मैं एक्ट पता नहीं कर पाऊँगी या नहीं, बट यस मुझे लगता है मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ, मैं टैलेंटेड हूँ और मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है आगे इस इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में, सो आई विल कंटिन्यू एंड आई वॉन्ट टू ग्रो एवरी डे। अब जब शहनाज गिल की बॉलीवुड डेब्यू फिल्म किसी का भाई किसी की जान थिएटर्स में आ चुकी है, तो आप सभी सिनेमा हॉल्स का रुख कीजिए और अपनी फेवरेट शहनाज गिल को बड़े पर्दे पर देखने का लुत्फ उठाइए। गेट अ चांस टू फीचर ऑन जूम टीवी, हो जा जूमिफाई।